हेलो बेटा, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। इन विच क्लास डू यू स्टडी? केजी क्लास। एंड टुडे वी विल वर्क इन ईवीएस नोटबुक। आज आपकी ईवीएस की नोटबुक यानी कि एनवायरमेंट स्टडी, एक न्यू नोटबुक का वर्क स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आपके अभी तक कौन कौन सी नोटबुक है? मैथ्स की है, बॉक्स वाली, ठीक है, और कैसी है? फोर लाइन वाली, इंग्लिश की है, ठीक है, और फाइव लाइन वाली आपकी किसकी है? हिंदी की है ना। और आज ये जो हमारी ईवीएस की नोटबुक है, ये नोटबुक तो हमारी फोर लाइन की है, इंग्लिश की नोटबुक जैसी, बट ये आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है। और आज आपको एक न्यू नोटबुक लेनी है, इंग्लिश की फोर लाइन्स वाली, बट उसके सब्जेक्ट टाइम क्या लिखोगे? ईवीएस, इट मीन्स एनवायरमेंट स्टडी। ओके, आज देखो हम इसमें क्या सीखने जा रहे हैं। हमारा आज का इसका टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है माई सेल्फ, एम वाई माई एस ई एल एफ सेल्फ, माई सेल्फ। इट मीन्स माई क्या होता है? मेरा, और सेल्फ क्या होता है? परिचय। माई सेल्फ, मेरा परिचय। जब कोई आपसे कुछ भी पूछता है, बेटा आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच स्कूल डू यू रीड, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, है ना, और व्हाट इज योर विलेज नेम, आपके विलेज का, आपके गांव का नाम क्या है, या आपकी सिटी का, शहर का नाम क्या है। ओके, आप कितने साल के हो, हाउ आर यू ऑल, आप कितने ईयर के हो। इस तरीके से जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, आपके मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का नाम क्या है, जब आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, जब आपसे कुछ भी पूछा जाता है आपके बारे में, ठीक है, तो वो क्या होता है? माई सेल्फ, मेरा परिचय। तो आपको पता होना चाहिए ना, तो आज हम यही करेंगे। बट हम आज सारा एकदम से तो लर्न नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? थोड़ा थोड़ा करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। तो आपका नाम क्या है? अब आप बहुत सारे बच्चे हो, सब बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर्स आते हैं ना, तो सब अपने अपने पेरेंट्स से अपना नाम लिखवाएंगे और उस नाम को क्या करेंगे? कर्सिव राइटिंग में लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे मानो किसी बच्चे का नाम है खुशी, ठीक है, किसी का नाम है खुशी। खुशी की स्पेलिंग होती है के एच यू एस एच आई, खुशी। लेकिन हमने इसको क्या करना है? कर्सिव राइटिंग में लिखना है। और हम इसको कैसे लिखना सीखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे, के लिखेंगे कैपिटल, फिर सब स्मॉल लेटर। नाम लिखने का रूल क्या होता है? फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल आता है और बाकी के सारे स्मॉल लेटर होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने इसका नाम क्या है बच्चे का? खुशी। तो हमने इसका के कैसे बनाया? कैपिटल कर्सिव का बनाया। और उसके बाद हमने जो सारे लेटर हैं वो हमें स्मॉल के बनाने हैं, स्मॉल कर्सिव के, क्योंकि हम इन कर्सिव राइटिंग अपना नेम लिखना सीखेंगे। ओके, के एच यू एस एच आई, खुशी। तो ऐसे नाम लिखा, सुंदर लग रहा है। सब बच्चों को अपना नेम लिखना सीखना है इन कर्सिव राइटिंग। वन पेज पर पूरी प्रैक्टिस करनी है अपने अपने नेम की। जिस बच्चे को अपने नेम की स्पेलिंग नहीं आती वो अपने पेरेंट्स से पूछें, अदरवाइज आप मैम को कॉल करके पूछें कि मैम हम अपना नाम कैसे लिखें, तो मैम आपको आपका नेम लिख के सेंड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप अपने पेरेंट्स से सीखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा, इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो सेकंड पेज पर आपको क्या करना है? क्लास का नेम लिखना सीखना है। आप डेली बोर्ड पर देखते हो क्लास का नेम लिखा हुआ, डेली देखते हो ना, क्लास के जी, क्लास के जी, आपको भी तो लिखना आना चाहिए। तो आपको पहले यहाँ पे क्लास की स्पेलिंग लिखनी है, सी एल ए डबल एस, क्लास, हाइफन लगाना है, के जी, दोनों लेटर हमारे कैपिटल कर्सिव के हैं। ओके, आपको लिखना है के डॉट जी डॉट के जी,
बेटा केजी की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी तो बताना चाहिए। हम तो शॉर्ट में लिख देते हैं। ये डॉट का मतलब क्या होता है कि हमने सिर्फ उनका फर्स्ट लेटर लिखा है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखा है। केजी की फुल फॉर्म होती है किंडरगार्टन, ठीक है, किंडरगार्टन। तो के जी, अब हम इतना लंबा तो लिखेंगे ही, देखो अगर हम लिख के दिखाएं आपको तो ये ऐसे है किंडरगार्टन, ठीक है। तो हम इतनी बड़ी तो लिखेंगे ही, तो हमने क्या किया, के लिखा, डॉट लगाया इन सब की जगह और जी लिखा, फिर हमने इन सब की जगह क्या लगा दिया, डॉट। हमने शॉर्ट में याद करी के जी। आपको आज इसी की प्रैक्टिस करनी है, ओके। एक वन पेज पे तो आप अपने नेम की प्रैक्टिस करोगे, कैसे, N A M E नेम, और फिर यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो लिखोगे, जैसे कि प्रियल, गरिमा, देवांश, भावेश, है ना ये सारे बच्चे, तो आपको यहाँ पे नेम भी अपना लिखना है ऐसे। ये तो आपके वन पेज का वर्क है, नेम जो भी है आपका आपको वो लिखना है, ओके। और सेकंड पेज पे आपको क्लास लिखनी है, क्लास के जी। एक बार फिर से देखो कैसे लिखेंगे, CLASS क्लास, क्लास कौन सी है, K.G फुल फॉर्म होती है इसकी किंडरगार्टन, ओके, क्लास K.G KG दोनों ही कैपिटल कर्सिव के लेटर हैं, ध्यान रखना, ओके। बहुत इजी वर्क है। इसका क्वेश्चन क्या है, इन विच क्लास डू यू रीड, आई रीड इन KG क्लास, आई रीड इन KG क्लास, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है आप अपना वो नाम बताएंगे। तो बेटा आपको ऐसे सुंदर वर्क करना है, टू पेज पे वर्क करना है, चाहे आप आज सिर्फ अपने नेम की प्रैक्टिस करना, सेकंड डे आप अपनी क्लास के जी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। अच्छे से वर्क करना और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करना, न्यू नोटबुक बनाना, किसी भी पुरानी नोटबुक में वर्क नहीं करना, ठीक है। अपना सब्जेक्ट नेम उसमें EVS डाल लेना, क्योंकि अब से अब आपका डेली EVS का वर्क आएगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।